पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में नीम करौली आश्रम पर आज 108 सुंदरकांड पाठ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आज हवन और पूजन करके भंडारा किया गया। सर्वप्रथम सभी उपस्थित भक्तगणों ने बाबा नीम करौली महाराज और हनुमान जी के सम्मुख संगीत में पाठ हुआ। उपस्थित सभी भक्तगणों ने समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ हवन पूजन के द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर सुंदर कांड पाठ संपन्न करने के बाद विनय चालीसा का पाठ हुआ। हवन यज्ञ संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरण हुआ और भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी तादाद में भक्तों ने उपस्थित रहकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा के द्वारा बताया गया कि श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में बाबा नीम करौली आश्रम पर प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है और 108 सुंदरकांड पाठ संपन्न होने पर भंडारे का आयोजन किया गया। आज श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम के उमरी सब्जीपुर स्थित यह कार्यक्रम 108 सुंदरकांड का पाठ जो चल रहा था हमारा कंटिन्यू हर मंगलवार प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड चले थे, आज 108 सुंदरकांड किया गया। उस तत्पश्चात बाबा को अर्पित करे गए 108 सुंदरकांड। उसके बाद यज्ञ महायज्ञ किया गया। महायज्ञ के बाद भंडारा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर तीनों कार्यक्रम इस प्रकार से चले गए। बाबा को आज 108, हनुमान जी को आज अर्पित 108 सुंदरकांड किए गए। यहाँ बाबा की स्थापना, बाबा नीम करौली की स्थापना और बालाजी महाराज की, माँ दुर्गा की और गणेश जी की और नर्मदेश्वर शिवलिंग महाराज यहाँ स्थापित हैं और राम जी की यहाँ स्थापना हुई हुई है। इस आश्रम के अंदर जब से स्थापना हुई थी माँ बाबा की, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तभी से कंटिन्यू हर मंगलवार सुंदरकांड का कार्य चल रहा था। उसी के उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन और ये सब किया गया और बाबा की कृपा से सबके सहयोग से बड़ा धूमधाम से ये कार्यक्रम हुआ और कंटिन्यू आगे चलते रहेंगे। बाबा जैसे कराते रहेंगे और हम लोग करते रहेंगे। जय श्री राम। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।